हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स या फिर एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल्स। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कम्बशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। यानी कि जब 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल का जब कंप्लीट कम्बशन होता है, तब उस टाइम जो जितनी हीट एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू उस फ्यूल की। जिसकी जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो फ्यूल उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। एंड इसकी यूनिट है किलो जूल पर केजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आपसे यूनिट ही पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ फ्यूल्स हैं और उनकी कैलोरीफिक वैल्यू है। सबसे पहला है काउ डंग केक, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 6000 to 8000 किलो जूल पर केजी। एंड वुड की होती है 17000 to 22000 पर किलो जूल पर केजी। कोल की होती है 25000 to 33000 किलो जूल पर केजी। पेट्रोल, केरोसिन एंड डीजल, इन तीनों की इक्वल होती है 45000 किलो जूल पर केजी। एंड मीथेन की होती है 50000 किलो जूल पर केजी। सीएनजी की होती है 50000 किलो जूल पर केजी। एंड एलपीजी की होती है आपके पास 55000 किलो जूल पर केजी। बायोगैस की होती है 35000 to 40000 किलो जूल पर केजी। एंड हाइड्रोजन की होती है 1,50,000 किलो जूल पर केजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो है हाइड्रोजन की। तो हम बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो सबसे बेटर फ्यूल है और इसको इसीलिए फ्यूल ऑफ फ्यूचर भी कहा जाता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।